मध्य प्रदेश के विदिशा में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना आई सामने। परिजनों द्वारा दाह संस्कार की जिम्मेदारी न उठाने की बात सुनकर बीमार वृद्ध ने किया देहदान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास करने वाले 95 वर्षीय श्री कन्हैयालाल सिंधी का पूर्ण मान सम्मान के साथ पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में देहदान एवं नेत्रदान किया गया, जहां एनाटॉमी विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर युगांति, डॉक्टर पूर्वा, CMHO डॉक्टर सुभाष, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज वृद्धाश्रम अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा एवं श्री वेद प्रकाश शर्मा सहित स्टाफ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। कहते हैं, जब पैसों का वजन रिश्तों के वजन से ज्यादा होने लगे तो कई बार ना तो रिश्ते काम आते हैं, ना पैसे काम आते हैं, और ना ही आपने जिंदगी भर जो किया वही काम आता है। कहानी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की है, जहां कन्हैया लाल सिंधी जून 2022 में श्री हरि वृद्धाश्रम आए थे। आश्रम आने से पूर्व वह शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित बॉम्बे विलास होटल में आजीवन रसोइये के तौर पर काम कर रहे थे। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते थे और सारा शहर उन्हें कन्हैया सेठ कहकर पुकारा करता था। बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ वह अच्छे पिता भी थे, जिन्होंने अपनी दो बेटियों लक्ष्मी और बबली का विवाह बड़े धूमधाम से किया। एक बेटे का भी विवाह किया, परंतु बेटा विवाह के पश्चात अलग हो गया। उम्र बढ़ती गई और अवस्था के साथ उनसे होटल में खाना बनाना मुश्किल होने लगा। उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर वो पहुंचे जहां उनसे काम करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। गंभीर आर्थिक परेशानी के बीच मकान मालिक ने उन्हें घर का किराया न देने के कारण घर से निकाल दिया। वहीं पत्नी भी उन्हें छोड़कर बेटी के पास चली गई। तब होटल बॉम्बे विलास मालिक ने उन्हें श्री हरि वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी और उन्हें लेकर आश्रम आए। तभी से वह श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास कर रहे थे। आश्रम प्रबंधन उनकी पूरी देख रेख और सेवा में लगा रहा। अत्यंत वृद्धावस्था के कारण वह जिला अस्पताल में कई बार भर्ती हुए और अपनी पुत्रियों एवं पत्नी को बहुत याद करते थे, परंतु उनकी बेटियों को उनसे कोई मतलब नहीं था। कई बार फोन करने पर भी उनकी पत्नी और बेटियां जब उनसे मिलने नहीं आती तो उनकी सारी सेवा श्री हरि वृद्धाश्रम प्रबंधन ही करता। वह संचालक श्री वेद प्रकाश शर्मा से अक्सर अपनी वेदना कहते और उनकी पीड़ा आंखों में आंसू बन करके सामने आ जाती। उन्हें परिजनों के न आने का बेहद दुख रहता था, वह उनको ही अपना बेटा मानने लगे थे। आश्रम में वह कई बार दुखी होकर कहते थे, ऐसे संतानों का क्या फायदा जो बुढ़ापे में साथ न दे, ऐसी पत्नी का क्या फायदा जो जिम्मेदारी से मुंह छुपाए। वह कहते थे कि अब तो तुम लोग ही मेरे सब कुछ हो, और फूट फूट कर रो दिया करते थे। पिछले सप्ताह अत्यंत गंभीर अवस्था में बीमार होने पर उन्हें विदिशा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसी बीच उन्होंने अपनी बेटियों से मिलने की ख्वाहिश की, पत्नी से मिलने की इच्छा जताई। वह बहुत रोते रहते थे। उनकी बेटियां लक्ष्मी और बबली से संपर्क करने पर उन्होंने आने में अपनी असमर्थता जताई। वृद्ध पिता समझ चुका था कि उनके अंतिम समय में अब शायद ही उनकी संतानें कांधा दे सके। वह एकदम टूटते गए और अंततः आश्रम संचालक श्री वेद प्रकाश शर्मा से अपनी देहदान की इच्छा जताई। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जब उनकी बेटियां एवं पत्नी को फोन पर यह बात बताई गई तो उन्होंने कोई आश्चर्य अथवा वेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि वे चाहते हैं तो देहदान कर दीजिए। इस सूचना के बाद लगभग आधे घंटे बाद उनकी पत्नी आई और उन्होंने देहदान की वसीयत पर सहमति व्यक्त करने अपने हस्ताक्षर करके चली गई। वृद्ध कन्हैया लाल के निधन की सूचना मिलने पर भी परिजनों की ओर से कोई नहीं आया, तब आश्रम प्रबंधन द्वारा देहदान संपन्न कराया गया। इंसानियत और रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये घटना हमें अंदर तक झकझोर देती है। पिता के अस्तित्व से ही संतान का अस्तित्व इस संसार में आया है, पर जन्म दाता का अस्तित्व ही आज इस संसार में शून्य सा हो चुका है। मोबाइलों के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हम हजारों ऐसे मित्र तो बना लेते हैं जिन्हें ना तो हम चेहरे से जानते हैं और ना ही रिश्तों से, मगर अफसोस, जिनके बुढ़ापे में हमें उनकी उंगलियां पकड़कर कंधे थाम कर चलना था, उन्हें ही हम पराया मान लेते हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बहुत ही दुखित करती है और बहुत ही वेदना से तृप्त करती है, और कहीं न कहीं यह घटना हमें एक सीख सिखा के जाती है कि हमें अपने बच्चों से, अपने परिजनों से लगाव, संबंध
और संस्कार कभी भी कम नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि रिश्तों की अहमियत पैसे कभी नहीं ले सकते हैं। अगर आखिरी क्षण में हमारे रिश्ते साथ हों तो शायद हमें अंतिम समय में अपने रिश्तों पर शर्म नहीं करनी पड़ेगी। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। आप प्रसन्न खुश मुस्कुराओ, वो हो जाएगी। मैं डॉक्टर सुभाष बगड़े CMO पीपल्स हॉस्पिटल कैजुअल्टी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा का कन्हैया जी का बॉडी का डोनेशन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे अस्पताल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, ये पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और हम चाहते हैं कि हर वृद्ध यही काम करे और हम सबको मोटिवेट करें ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वृद्धाश्रम में अपने बॉडी डोनेट करें, अपने ऑर्गन डोनेट करें। इनका आइस का भी डोनेशन चल रहा है अभी, तो आइस भी ये डोनेट कर रहे हैं। बता जी। नहीं, क्या समस्या रहती है? समस्या यही है कि मेरे को नींद बिल्कुल आँखों में है ही नहीं, और बाकी आप वाली सही बात है कि चिंताएं बहुत करता हूँ। मेरी लड़की लखपति, तो लड़का लखपति, इतने लखपति हो गए, मैं परेशान हूँ। बस वो बात है, और आपसे कोई झूठ बोलने का काम नहीं। तो रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब आप क्या महसूस? जब मैं जगता ही रहता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, इसलिए चक्कर से आते हैं, तो वही बीमारी मेरे को। नींद अगर आ जाए ढंग से तो बीमारी नहीं है, नींद नहीं। ऊपर उम्र भी इतनी हो गई है कि ऊपर वाले को बोलता अब तो बुला ले भाई, अब नहीं चल पाता हूँ मैं। कितने साल के हो गए? मैं तो अब 96 साल का हूँ। मैं पाकिस्तान का पैदा हूँ, कराची का। कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था 11 साल का था। उम्र तो बहुत है मेरे सामने, न जाने कितने मर गए। तो आपको टेंशन किस बात का रहता? टेंशन यही है कि मैं विदिशा के अंदर, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बड़ा सेठ था। मेरा नाम अभी आप बाजार में चलोगे ट्यूशन पे ना, सब बोलते के सेठ, अच्छे अच्छे लगभग। तो इस वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बच्चों का क्या टेंशन रहता जी? बच्चों का क्या टेंशन रहता है आपको व्रत यहाँ पे रहने के दौरान? का ये टेंशन है कि देखो, एक लड़की जो यहाँ पे आई थी छोटी वाली, तीसरा नंबर, वो भी लाखों में खेल रही, बड़ी भी लाखों में खेल रही, दोनों लड़के अच्छे, दामाद अच्छे हैं, दुकाने हैं, मकान अपने हैं, सब कुछ। लेकिन मेरे पास कुछ भी एक बर्तन गिलास पीने को तक नहीं। और मैं क्या था और क्या हो गया, और नींद, भगवान करे नींद आ जाना, फिर भी टेंशन नहीं होता, नींद आती नहीं बिल्कुल।